मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ पे क्लाइंट की साइड से एक सेफ्टी इंजीनियर हूँ, शायद हो सकता है कुछ लोग पहचानते होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कोरोना के ऊपर का ट्रेनिंग, है ना। अभी दो ट्रेनिंग है हमारे पास, एक सुरक्षा के ऊपर और एक कोरोना के ऊपर, क्लियर है ना। तो पहले हम बात करेंगे कोरोना की। तो कोरोना अभी आप सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस एक जो कि पूरे विश्व भर में फैला हुआ है ना, कितने लोगों की जान चली गई है। वो वायरस किसी के स्पर्श से, गंदे हाथों से हम छींकेंगे तो हमारे हाथों से किसी और चीज़ को या किसी आदमी को संक्रमित कर सकता है वो, यदि मुझे कोरोना है तो, है ना। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये वायरस जो है वो शरीर से शरीर में प्रवेश कैसे करता है। मान लो मैं आपके पास खड़ा हूँ या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, आपके पास भी मास्क नहीं है और मेरे पास भी मास्क नहीं है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है कि भाई साहब आपके पास भी मास्क नहीं है और मेरे पास भी मास्क नहीं है, तो मैं जो भी बोलूँगा ना वो सीधे आपके मुँह पर जाएगा या आपकी आँखों पर जाएगा या आपके नाक पर जाएगा या कहीं भी जाएगा, आपके शरीर पर जाएगा। और आँख नाक मुँह के थ्रू कहाँ जाएगा, शरीर के अंदर जाएगा। और शरीर के अंदर जाएगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रही तो आप बीमार नहीं होंगे, पर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो आप बीमार होंगे। सर्दी होगी, खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार आएगा, फिर फेफड़े कमज़ोर होंगे, लीवर पे इफेक्ट होगा और फिर आपकी डेथ हो सकती है ना। तो कुल मिला के हमें क्या ध्यान रखना है कि यार चलो मान लो किसी को हो भी जाता है या किसी को हो गया है तो उसके थ्रू हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो हमें अपनी नाक और मुँह को अच्छे से कवर करके रखना है मास्क से, ठीक है ना। दूसरी चीज़ भाई, कहते हैं कि दो लोगों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, सामाजिक दूरी का हमको पालन करना है। अपने सरकार ने भी एक गाइडलाइन निकाली है कि दो लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, सामाजिक दूरी होना चाहिए, है ना। तो सामाजिक दूरी, आप जैसे मैं आपके पास उठा अभी है क्या सामाजिक दूरी, तो ऐसे में चलेगा। पर आप यदि बातचीत कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो तो सामाजिक दूरी होना चाहिए। यदि नहीं बोल रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पास में भी खड़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर यदि आप बातचीत कर रहे हो, बोल रहे हो एक दूसरे से, तो फिर क्या करना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, क्लियर है ना यहाँ तक। दूसरी चीज़ सरकार ने बताई थी कि यार हाथों को अपने को क्या करना है, अच्छे से सैनिटाइज करना है। सैनिटाइजर यदि नहीं है तो अपने को क्या करना है, हाथों को साबुन से अच्छे 40 से 60 सेकंड तक क्या करना है, नाखूनों के बीच में हथेली को अच्छे से धोना है, वॉश करना है। क्योंकि क्या है, आग के थ्रू वायरस कब अंदर जाएगा, मान लो मैंने इस वायरस वाली जगह को मैंने टच कर लिया और वही वायरस हाथों के थ्रू आग से अंदर कहाँ जाएगा, शरीर के अंदर जाएगा, ठीक है। तो हम हाथों को अच्छे से धोएंगे, खाना खाएंगे उसके पहले हाथों को अच्छे से धोएंगे या हाथों को सैनिटाइज करेंगे। देखो सैनिटाइजर वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे पानी नहीं है, जैसे कि हम बस में सफ़र कर रहे हैं तो बस में हमारे पास पानी साबुन वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सैनिटाइजर लिया और अपने हाथों को अच्छे से साफ किया, क्लियर है। और जैसे घर में है तो घर में सैनिटाइजर नहीं, साबुन है, पानी है, तो बढ़िया वहाँ पर क्या करेंगे, साबुन से पानी से अपन हाथ धोएंगे, क्लियर है यहाँ तक। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, भैया मैंने ये मास्क पहना है तो ये मास्क किसी और को, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जो मास्क है, ये मास्क हमें अपने लिए यूज़ करना है। जैसे आपने जो मास्क पहना वो आप इनको नहीं दे सकते, आपने जो पहना वो उनको नहीं दे सकते, है ना। ये मास्क मेरे स्वयं के लिए हो गया है, तो हमें क्या करना है, दिन भर पहनना है और इस मास्क को उपयोग होने के बाद सामान्य डस्टबिन में अपने को डालना है, शेयर नहीं करना है, ठीक है ना। अभी जैसे हम कैंटीन में बैठे हुए हैं, कैंटीन में एक कुर्सी यहाँ लगा रखी है, एक कुर्सी वहाँ लगा रखी है, हमने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने जो चेयर है उनके बीच में दूरी बना के रखी है, ठीक है। क्यों बना के रखी है, क्योंकि हमको क्या है, एक चेयर पे दो लोगों को बैठाना है केवल, भीड़ भाड़ नहीं करना है ज़्यादा। तो हमने क्या किया, लंच का भी टाइम अलग अलग कर दिया, भाई एक कंपनी का लंच इतनी बजे से इतनी बजे तक, दूसरी कंपनी का इतनी बजे से इतनी बजे तक, तो एक साथ क्या नहीं होगी, भीड़ नहीं होगी, और एक साथ भीड़ नहीं होगी तो लोग क्या है, एक दूसरे से संपर्क में कम आएंगे, ठीक है ना। तो अपने को मेन क्या ध्यान रखना है कि भैया जहाँ से वायरस अंदर जा रहा है, कुछ भी हो जाए उस जगह को हाथ नहीं लगाना है ना, तो वायरस नहीं जाएगा शरीर के अंदर, क्लियर है। और घर से जब भी निकले एटलीस्ट मास्क वगैरह तो अपने पास होना चाहिए, ये नॉर्मल जो गाइडलाइन है वो है, ठीक है ना।
तो ये था कोरोना के ऊपर का ट्रेनिंग।